कर्नाटक के कार शोरूम में कुछ ऐसा मामला एक किसान के साथ घट गया जिससे इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो गई। दोस्तों, अमीरी और गरीबी का भेदभाव हमारे देश में इतना ज्यादा क्यों है? लोग आपके कपड़ों को देखकर आपके साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? कर्नाटका के बेंगलुरु शहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। दोस्तों, ये मामला है बेंगलुरु शहर से 60 किलोमीटर दूर तुमकुर जिले का। वहाँ के एक किसान जिनका नाम है कैंपा गौड़ा, वो अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा कार के शोरूम में गए थे एक SUV गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ वो हुआ जिससे हमारे समाज की आंखें शर्म से झुक जाती। जब किसी शोरूम में, कोई कार शोरूम हो या किसी भी चीज का शोरूम हो, वहाँ पर कोई कस्टमर पहुँचता है तो उसे कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन इस किसान को उस कार शोरूम में रिस्पेक्ट क्या, उन्हें तो बेइज्जत किया गया। उस किसान का आरोप है कि सेल्समैन ने उससे कहा कि 10 रुपए की गाड़ी यहाँ नहीं मिलती और 10 रुपए की गाड़ी यहाँ कोई खरीदने आता भी नहीं। किसान का ये भी आरोप है कि सेल्समैन ने यहाँ तक कह दिया कि उनके जेब में 10 रुपए तक नहीं मिलेंगे। बस इसी बात को लेकर नोकझोंक भी होगी दोनों के बीच। शोरूम के सेल्समैन ने उस किसान और उसके दोस्तों के कपड़ों को देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाया। इसी बीच किसान के चाचा ने कहा कि अगर आप हमें गाड़ी डिलीवर कर देंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए आधे घंटे के अंदर लाकर दे दूंगा। तो शोरूम वालों ने भी कहा कि ठीक है, आप 10 लाख रुपए ले आइए और आधे घंटे में हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। शोरूम वालों को तो यही लगा कि ये 10 लाख रुपए इतनी जल्दी कैसे लेके आएंगे। लेकिन किसान ने आधे घंटे के अंदर 10 लाख रुपए ले आए और उन्हें गाड़ी डिलीवर करने को कहा। ये देखकर शोरूम वालों की तो हवाई टाइट हो गई। वो सोच ही नहीं सके कि इतने जल्दी इस किसान ने 10 लाख रुपए कैसे इंतजाम कर लिए। लेकिन शनिवार और रविवार होने की वजह से वो गाड़ी डिलीवर नहीं कर सके। ये देखकर किसान भड़क गए और वो शोरूम स्टाफ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब इतना सब कुछ देखकर शोरूम स्टाफ को लगा कि भाई अभी हमें माफी मांग लेनी चाहिए और उन्होंने लिखित में माफी भी मांग ली। धीरे धीरे ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई। लोग यहाँ तक कि आनंद महिंद्रा को टैग भी करने लगे और उनसे पूछने लगे कि इस बारे में वो कुछ कहें। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि लोगों ने उनके कपड़ों को देखकर दुर्व्यवहार किया हो। साल 1920 में अलवर के महाराज जय सिंह लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे तो उन्हें रास्ते में रोल्स रॉयस की गाड़ियों का शोरूम दिखा। तो वो जो भी कपड़े उन्होंने पहने थे उन्हीं कपड़ों में शोरूम के अंदर चले गए और उन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए सेल्समैन से पूछा तो सेल्समैन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। लेकिन ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी तो जब वो वापस अपने होटल पर गए और अपने नौकर से कहा कि आप गाड़ी के शोरूम में कॉल कीजिए और कॉल करके उन्हें कहिए कि अलवर के महाराज रोल्स रॉयल्स गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इसके बाद शोरूम के सामने सेल्समैनों की लाइन लग गई। उन्होंने यहाँ तक के जय सिंह महाराज के लिए रेड कार्पेट तक बिछा दिया और महाराज अपनी उसी शानो शौकत में उस शोरूम पर पहुंचे और जितनी भी वहां पर गाड़ियां थी, 6 रोल्स रॉयल्स गाड़ियां थी उस टाइम पर वहां पर, और 6 की 6 गाड़ियों को उन्होंने खरीद लिया। खरीद कर इमीडिएटली उन्होंने डिलीवरी चार्ज के साथ पूरे पेमेंट भी कर दिए और उसके बाद उन गाड़ियों को लेकर वो भारत आ गए। भारत में इन गाड़ियों को उन्होंने म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका को दे दी ताकि इन गाड़ियों से नगर का कचरे को उठाया जा सके। और इसके बाद तो वो हुआ दोस्तों कि पूरी दुनिया में रोल्स रॉयल्स कंपनी की मतलब इतनी खिल्ली उड़ाई जाने लगी कि उनकी गाड़ियों से कचरा बेचा जा रहा है। इसके बाद रोल्स रॉयल्स कंपनी का सेल इतना ज्यादा नीचे गिर गया कि उन्हें जय सिंह महाराज से माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने ऑफर दिया कि हम आपको 6 रोल्स रॉयल्स गाड़ियां फ्री में देंगे। इसके बाद जय सिंह महाराज ने उन गाड़ियों को म्युनिसिपैलिटी से वापस ले लिया। दोस्तों, किसी को भी उनके कपड़ों के आधार पर गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब दोनों इंसान ही तो है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।